हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भगवान से दुआ करता हूँ हमेशा आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे और आप सभी के मनोकामना भगवान पूर्ण करे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोनिया वलन सिंह पर। और आज हम जाएंगे चंदौसी। और चंदौसी क्यों जा रहा हूँ? आज बहुत ही ज़रूरी काम है। और वो क्या ज़रूरी काम है वो मैं आपको बताऊँगा। आप ब्लॉग का कंटिन्यू रहेगा। और चलिए, मैं होता हूँ रेडी और हम चलते हैं चंदौसी के लिए। आप ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चंदौसी के लिए। और ये देखिए, मेरा फ्रेंड्स गाड़ी चला रहा है, इसको बुखार भी है और पता नहीं क्या क्या दिक्कत है। वो तो हॉस्पिटल जगह पता पड़ेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल पहुँच कर क्या रहता है। हमारे गांव से लगभग जो चंदौसी सिटी है वो लगभग 7 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और हम आ चुके हैं फाटक पर। ये मंडी के पास फाटक है, देखिएगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और काफ़ी देर हो गई है हम लोगों को फाटक पर खड़े खड़े। लगभग आधा घंटा हो गया और अभी फाटक खुली नहीं है। आप देख पा रहे होंगे सड़क के दूसरी साइड कितना जाम लगा हुआ है। अभी ट्रेन आई नहीं है और देखते हैं कब तक ट्रेन आ पाती है। और जब फाटक खुलने के बाद हम लोग अब हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े हैं और चंदौसी पहुँच चुके हैं। अब चलिए अब लोग हम चलते हैं चंदौसी मैं हॉस्पिटल के लिए। अब देखिए दोस्त, कौन सा हॉस्पिटल चलता है, आप ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिएगा। फ्रेंड्स, हम अभी आ चुके हैं अतुल कुमार गुप्ता डॉक्टर के यहाँ पे। और अब जाएंगे, क्या समस्या है वो डॉक्टर के लिए बताएंगे और फिर वो कुछ चेकअप लिखेंगे और आगे जो भी प्रोसीजर है वो हम लोगों को बताएंगे और देखिए क्या होता है। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये देखिए हॉस्पिटल, ये है अतुल डॉक्टर का हॉस्पिटल। और हम अभी कुछ देर में जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बाइक खड़ी हुई हैं। अभी सुबह का टाइम है इसलिए भीड़ कम है, बाकी सुबह के बाद बहुत भीड़ होती है। चलिए हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये देखिए मेरा दोस्त किशनपाल जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। अभी सुबह के लगभग बज चुके हैं 9:30, मॉर्निंग का टाइम है। दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए हम लोग जल्दी आना पड़ा। और चल के देखते हैं क्या रहता है हॉस्पिटल के अंदर। और अभी देखते हैं क्या माहौल है। अब हम आ चुके हैं रिसेप्शन पर और यहाँ पर रिसेप्शन वाले भैया से बात किए थे तो वो बोल रहे हैं डॉक्टर अभी आए नहीं है, आप लोगों को अपना पर्चा बनवाना है, अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए। तो हमने पर्चा बनवा दिया है डॉक्टर का और डॉक्टर के आने का वेट कर रहे हैं। और देखते हैं डॉक्टर कब तक आता है, वो तो आने के बाद ही पता पड़ेगा। और दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है और क्या बात है ये डॉक्टर बताएंगे। ये देखिए रिसेप्शन वाले भैया आ चुके हैं, ये किशनपाल के बड़े भैया हैं धर्म प्रकाश, जो आप देख पा रहे होंगे रेड कलर की टी शर्ट पहन रहे हैं। और ये टीचर हैं ये भी, तो ये उनसे बात कर रहे हैं और जो वार्ड बॉय होते हैं उनसे बात कर रहे हैं, कुछ बीमारी के सिम्टम्स बता रहे हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो उन्होंने किशनपाल को बुलाया और उनका ब्लड सैंपल लेने के लिए कहा। ब्लड सैंपल से ही पता पड़ेगा क्या बीमारी है। तो वो ये देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे वो जो वार्ड बॉय हैं वो किशनपाल का ब्लड निकाल रहे हैं। और यहाँ पर ब्लड की जांच होगी यानी कि खून की जांच होगी और उसके बाद पता पड़ेगा क्या है, क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। वो तो बीमारी के का क्या क्या सिम्टम्स हैं वो बता दिए हैं। और मुझे बहुत बेकार लग रहा है हॉस्पिटल में आके जब किशनपाल का ब्लड निकाला जा रहा है। हॉस्पिटल में बहुत बेकार लगता है, सही नहीं लगता और शायद हर किसी को भी सही नहीं लगता, वो आप सब लोग समझ सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ का ब्लड किशनपाल का निकल जाएगा, रिपोर्ट आएगी और उसके बाद डॉक्टर देखेंगे, तब डॉक्टर बताएंगे क्या बीमारी है और क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद दवा ली जाएगी और हम लोग देखते हैं क्या समस्या होती है। अब जो भी होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर किशनपाल ने ब्लड सैंपल दे दिया है, अब हम लोग वेट करेंगे। और देखिए मैं आपको घुमाता हूँ हॉस्पिटल, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रूम बने हुए हैं और अंदर कुछ बेड भी पड़े हुए हैं। इस रूम में मतलब कोई है नहीं अभी, तो इसलिए मैं यहाँ क्लिप बना लिया। बाकी और रूमों में कुछ लोग पेशेंट हैं तो मैं उनका क्लिप नहीं बना पाया था क्योंकि पता नहीं कोई लोग को लोगों को बुरा लगता है बनाते हैं। तो हम लोग अब फाइनली दवा लेने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर जूस कॉर्नर पे। तो उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट मिलेगी 1-1.5 घंटे बाद, तो हम लोगों ने सोचा चलो चल के बाहर जूस पीते हैं, बाकी जब वो कॉल कर देंगे रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर डॉक्टर देखेंगे फिर दवा देंगे। तो आज देखिए आप लोग भी जूस आके पीजिए, गन्ने का जूस पी रहे हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर, ये आप देख पा रहे होंगे। एक्चुअली मेरे घर का बोर्ड ख़राब हो गया था तो मुझे लाइटिंग की बहुत दिक्कत हो रही थी
और मोबाइल चार्जिंग की बहुत समस्या हो रही थी, तो मैंने फिर किशन पाल से कहा चलो जब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर घूम के आते हैं तब तक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने में भी 2 घंटे हैं, उन्होंने कहा था कि 1.5-2 घंटे में रिपोर्ट मिलेगी, तब तक आप अपना जो भी काम हो निपटा के आ जाओ। तो हमने सोचा चलो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर चलते हैं, यहाँ पे होलसेल का सामान मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, हमें जो भी सामान लेना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का तो हम लोग यहीं से लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे दुकान बहुत बड़ी है और ये फिक्स रेट में देते हैं, सस्ते दाम पर देते हैं, तो अक्सर हम लोग यहीं पे जो भी सामान लेना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का यहीं पे आते हैं। और तो देखिए हम लोगों ने बोर्ड का सामान ले लिया है, ये रखा है डिब्बे में, अब हम लोग घर जाएंगे और जैसे किशन पाल की तबीयत ठीक होती है तो इस बोर्ड को ठीक करेंगे। कई दिनों से मेरी रूम में लाइट का इशू चल रहा था, फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता, दिक्कत हो रही थी, तो किशन पाल आ गया तो मैंने सोचा चलो किशन पाल से ही हम बोर्ड लगवा लेंगे घर पे, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की उतनी जानकारी नहीं है, बोर्ड फिटिंग करना नहीं आता, बाकी छोटी मोटी रिपेयरिंग तो कर लेता हूँ घर की। तो मैंने किशन पाल से कहा था कि जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सामान ले लेते हैं। और ये देखिएगा दवा मिल गई है, ये उसकी ब्लड रिपोर्ट आई है और इसमें टाइफाइड आया है, मलेरिया आया है और प्लेटलेट्स भी बहुत कम आई हैं। तो फाइनली हम लोग डॉक्टर से दवा लेके और घर के लिए आ गए थे। ये आप देख पा रहे होंगे ये दवा दी है डॉक्टर ने, अब हमें नहीं पता क्या क्या दवा दी है, वो उन्होंने दी है और कहा है आपके लिए ये कुछ दिन कंटिन्यू ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लगभग 1-1.5 महीने के लिए। तो हम लोग दवा लेके किशन पाल घर पर आ चुके हैं और ये देखिएगा मेरा फ्रेंड्स पास में बैठा हुआ है और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है बोर्ड का जो मैं लाया था घर पर फिटिंग करवाने के लिए। अब जैसे ही इसकी तबीयत ठीक होगी तब ये सामान फिटिंग किया जाएगा, तब तक मैं अपना ऐसे ही काम चलाऊंगा एडजस्टमेंट के लिए। रात में मैं फ़ोन चार्ज नहीं कर पाता हूँ तो इसीलिए मुझे बाहर लगाना पड़ता है फ़ोन चार्जिंग के लिए। और ये आज हमारे बहुत रुपए ख़त्म हो गए थे, उन्होंने 700 रुपये की दवा दी थी और 500 रुपये का उन्होंने ब्लड चेकअप कर लिया था, फिर कहा था कंटिन्यू इलाज करना पड़ा। ये देखिए मेरा दोस्त यहाँ पर सो रहा है। फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा आज हम चंदोसी गए थे और क्यों गया था वो भी आप लोग रीजन जान गए होंगे। मेरा एक फ्रेंड्स जो किशन पाल है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो चंडीगढ़ में काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक कंपनी में जॉब करता है, तो अचानक उसको आना पड़ा कल ही शाम को। वैसे वो दीपावली पे आता लेकिन तबीयत ख़राब होने के कारण उसे कल आना पड़ा और हमने फिर चंदोसी उसको दवा दिलाने के लिए गए थे और भी हमने जो भी काम किया था वो भी आपको दिखाया। और चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के लकी पर्सन्स पर और देखते हैं कौन कौन वो लकी पर्सन हैं जिनका प्यार हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा रहता है और वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं हमारे चैनल पर। हम उन सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग ऐसे ही अपना प्यार हम पर कायम रखिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन वो आज के ये पहले लकी पर्सन हैं। विष्णु आनंद, दीक्षा मौर्य, ममोनी वासु, रिया, प्रीति मेहरा, वैष्णवी अग्रवाल, शिवम होलीडेज नागपुर, शिवम होलीडेज नागपुर, श्याम सुंदर, रामविलास कुशवाहा, सोहन खातून, प्रभा सिंह डोंगरा, जसपाल सिंह, मीनाक्षी अग्रवाल और अनीता मार्कम, शोभा कुमार, सुनवर खास, मनोज कुमार, लाइफ विद दिशा, काजल जायसवाल, विष्णु आनंद, सुमन गायकवाड़, रिहान खान, मीरा कस्ट्रुगल, नैतिक कुमार कौशल, राहुल बुक्सा, रागिनी यादव, सुमन गुप्ता, सुखी आशीष, सुशील मेहरनो सुख, कविता रावत, मुस्कान कुमारी यादव, मामुनी नाथ, मीरा, वर्षा कटगर, सीमा गुप्ता, रामसाद देशमुख, रेणुका, रिंकी यादव, रीमा भारती, युवराज सिंह, मिस्टर शॉर्ट वीडियो, सविता, मम्मी एंड जूली ब्लॉग्स, जीका, मिस निर्मला ब्लॉग्स, महक भारती, बिंदु देवी, टीम शिखा, नंदिनी सिंह,
सवाना ऑफिशियल बिस्ट शॉर्ट वीडियो धाना मवारी शैलजा सुभाष कुमार अभिषेक विश्वास सविता गौरी भारतीय शिव शक्ति सुनीता कुमारी। तो आज के लिए ही हमारे फ्रेंड्स थे जिनका मैं नाम ले पाया, और जिस किसी का मैं नाम नहीं ले पाया उसके लिए सॉरी। अगली वीडियो में नाम लेने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल पर यूं ही अपना प्यार बरसाते रहें और अपना साथ हमारा साथ देते रहें। आप सब लोग हमें यूं ही सपोर्ट करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। और आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूँ, हमारा पुराना वाला चैनल है मुनियावास पोल्ट्री पनमन, उस पर कुछ हमारा तकनीकी समस्या हो गई है और उस पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो भी नए वीडियो हैं आपको डांस के, शॉर्ट्स के, कॉमेडी के, ब्लॉग, सब कुछ हमारा आपको इसी चैनल मुनिया बलवंत सिंह पर ही देखने को मिलेगा। अब उस चैनल पर हम कोई वीडियो नहीं डालते हैं। तो अगर आपको जानकारी नहीं हो तो हमारा ये चैनल नया वाला सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।